मेरे पास पूरे तो हरियाणा की फैन फॉलोइंग है, पूरे पंजाब की, दिल्ली की, जहाँ भी पूरी जाट बेल्ट की मेरे साथ है। इसके पीछे कोई और रीजन है, इसके पीछे कोई और प्लान है कि जो मुझे बाहर किया गया है। हर परिवार में लड़ाइयाँ तो होती हैं, ऐसा कोई भी परिवार नहीं है किसी की एक बीवी होगी वहाँ पे भी लड़ाई है, बट उनकी उनकी पर्सनल लाइफ है वो अच्छी चल रही है। शो के थ्रू अगर मैसेज जनरेशन के पास गलत ना जाए कि हर आदमी की दो बीवियाँ होनी चाहिए, मैसेज ना जाए, और कहीं पे अगर इस मैसेज को उल्टा ले लिया, हर लड़की ने ये सोच लिया कि मेरे पति दो होने चाहिए, तो समाज हजम नहीं कर पाएगा। इमोशनल तो मुझे लगता है बाकी 14 के 14 लोग इमोशनल है, जिस दिन मैं आया उस दिन सब इमोशनल हो गए। ड्रामे बाज टोटली नहीं, 100% नहीं कह सकते, थोड़ा कामचोर तो कई है वहाँ पे, कामचोर तो कई है वहाँ। मान का भी दिल अच्छा है, मुझे भी दो बीवियां उसके पास। राम राम जी, मैं प्रोफेशनल बॉक्सर नीरज गोयत और आप लोग मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पे। Hi guys, this is Kinnari Singh. You are watching Filmi Beat. और आज हमारे साथ Big Boss OTT3 के फर्स्ट एविक्टेड कंटेस्टेंट है हमारे साथ। नीरज, सबसे पहले तो ये बताइए कि कभी आपको लगा था कि फर्स्ट एविक्टेड कंटेस्टेंट नीरज ऐसा फ्लो में आपको नाम सुन? मुझे तो ये लगा था कि जीत के आऊंगा, फर्स्ट पोजीशन पे होगा, मुझे नहीं पता पीछे से फर्स्ट पोजीशन पे होगा, ऐसा कभी सोचा नहीं था। और रीजन में कहीं मैं किसी रीजन की वजह से मैं बाहर भी नहीं हूँ कि अंदर वालों ने मुझे वोट नहीं किया, बाहर वालों ने वोट मुझे वोट नहीं किया, पता नहीं रीजन, मुझे भी नहीं पता कि मैं बाहर क्यों हूँ। जी जी, आपके जो फैंस है वो कहीं ना कहीं सना सुल्तान को ब्लेम कर रहे हैं आपके एविक्ट होने का, जो सही है गलत है आप क्या बोला चाहेंगे? नहीं, सना सुल्तान ने भी तो मुझे संडे को कर दिया है ना, संडे को हुए हैं हम, मुझे जाके एक ही दिन हुआ था, तो एक दिन में वो मुझे कैसे जज कर सकती है? संडे को, सैटरडे को सबको फोन मिल गए हैं, संडे को ये हुआ है, तो मुझे तो नहीं लगता कि वही है, इसके पीछे कोई और रीजन है, इसके पीछे कोई और प्लान है कि जो मुझे बाहर किया गया है, क्योंकि संडे तक तो किसी का भी नहीं पता था, और मेरे अलावा बहुत सारे लोग ऐसे थे घर में जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और फिर भी मैं बाहर बैठा हूँ। आपको क्या लगता है वो रीजन क्या हो सकता है? वो रीजन मुझे नहीं, तो वही तो रीजन खोज रहा हूँ, वो रीजन ही तो नहीं मुझे समझ में आ रहा, और रीजन मेरे को क्या, जो भी लोग बिग बॉस को फॉलो करते हैं सबको वो रीजन चाहिए, वो सब उस रीजन को ढूंढ रहे हैं कि ऐसा क्यों। जी, आप और शिवानी एक साथ थे, कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया पे ये भी बज है, क्योंकि शिवानी की पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया पे ज्यादा, बस तो ये भी है कि क्योंकि वो गांव से आती हैं, तो कहीं ना कहीं मेकर्स भी चाहते उस ऑडियंस को रिटेन करना, इसलिए आपको निकाला गया, तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है ये भी एक रीजन था? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि शिवानी जहाँ से आती है, गाँव देहात से आती है, तो मुझे लगता है कि मेरे पास पूरे तो हरियाणा की फैन फॉलोइंग है, पूरे पंजाब की, दिल्ली की, जहाँ भी पूरी जाट बेल्ट की मेरे साथ है, और ओवरसीज में भी हमारे बहुत लोग हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये रीजन रहा है। और जहाँ तक रही वोट्स की बात, तो जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे लोग हैं, उन्होंने वोट में कहीं कमी नहीं छोड़ी है, और सबके सब पढ़े लिखे और अच्छे हैं, कि जो दिमाग को ज्यादा लगाते हैं कि एक वोट को जितने में एक वोट होती है उतने में वो 99 वोट कर दे, तो ऐसे दिमाग वाले फॉलोवर हैं मेरे, तो मुझे नहीं लगता, और मेरी टीम ने बहुत कोशिश की है कि वोटिंग में भी मैं हारा हूँ, मुझे नहीं लगता। क्योंकि कुछ समय लेकिन आप उस घर में बिता के आए हैं, तो कुछ मैं आपसे जानना चाहूंगी, शिवानी ने जब एंट्री की तो ऐसा एक पिक्चर बनी कि दूसरी मनीषा रानी जा रही है घर में, आप क्योंकि रह के आए हो, अभी आज एक प्रोमो भी निकला जहाँ पे शिवानी रो रही है, शायद बेहोश हो गई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत नौटंकी है, कुछ कह रहे हैं कि मनीषा रानी के तो आसपास नहीं, और कुछ कह रहे हैं कि शिवानी का अपना ही एक गेम है, तो आपको क्या लग रहा है शिवानी एज अ कंटेस्टेंट आपको कैसी लगी? मुझे लगी कि गाँव से आई है और वो गाँव से बाहर नहीं निकली है, उसको पता नहीं है यहाँ पे लोगों के साथ कैसे रहना है, क्या बिहेव करना है, बट मेरे साथ वो बहुत ठीक थी, और उसको लगता है कि वो अपने खुद के घर में आ गई है, और वो जो चीज करेगी वो सबको पच जाएगी, सब हजम कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है, बट एज ए ह्यूमन, एज ए मेरी जो इन पर्सन उससे बातचीत है, उसके हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है।
ओके हाँ ओके दूसरा जो सबसे बाज में कंटेस्टेंट है वो डेफिनेटली अरमान पायल एंड कृतिका है. उनका एक यूट्यूब चैनल है जहां पे ऐसा पोर्ट्रे होता है कि वो तीनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम. लेकिन हमने कुछ क्लिप्स देखे हैं जहां पे साफ साफ दिख रहा है कि यू नो है प्रॉब्लम्स एंड डिफरेंसेस है. आप क्योंकि वहां रह के आए हैं, आपको क्या लगता है सच में वो एक खुशहाल परिवार है या फिर है डिफरेंसेस? नहीं, मुझे तो अब तक लगता है खुशहाल परिवार है, लेकिन हर परिवार में लड़ाइयाँ तो होती हैं. ऐसा जी कोई भी परिवार नहीं है, किसी की एक बीवी होगी वहां पे भी लड़ाई है, बट उनकी उनकी पर्सनल लाइफ है वो अच्छी चल रही है. बट जो मुझे लगता है कि शो के थ्रू अगर मैसेज जनरेशन के पास गलत ना जाए जी कि हर आदमी की 2 बीवियां होनी चाहिए, मैसेज ना जाए, और कहीं पे अगर इस मैसेज को उल्टा ले लिया, हर लड़की ने ये सोच लिया कि मेरे पति 2 होने चाहिए, तो समाज हजम नहीं कर जी पाएगा. जी तो ऐसा नहीं होना जी चाहिए, ऐसी चीज बिकॉज प्रमोट नहीं होनी चाहिए. जी बिकॉज आपको पता है सना मकबूल जो है उस शो में, उन्होंने भी एक बहुत अच्छी बात बोली थी अरमान से कि अगर यही चीज यू नो उन्होंने अपनी पहली बीवी के रहते हुए दूसरी बीवी लाई, कि यही चीज अगर उनकी पहली वाइफ करती, किसी एक और आदमी को लेके आती, तो आप कितने कंफर्टेबल होते. और उन्होंने वो बहुत सरप्राइज हो गए थे, मतलब वो सोच ही नहीं पा रहे थे उस हाँ बात को. बिल्कुल तो आप इस पूरे मुद्दे पे यू नो क्या कहना चाहते, क्योंकि आपने खुद ने कहा कि कहीं ना कहीं गलत मैसेज भी जा रहा है. तो अब ये तो उन जब सना ने एकदम से सवाल पूछ लिया, तो किसी हाँ के पास इसका जवाब होगा? इसका जवाब कोई क्या देगा? अगर सना ने ये सवाल पूछ लिया तो वही सवाल मैं कह रहा हूँ, इसका कोई जवाब ही नहीं है. तो ऐसी चीज को हमें नहीं करना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा, जी ताकि मैसेज गलत ना जाए किसी के पास. जी कल को अरमान को भी शायद ये क्या पता नहीं, 2 बेटी हैं अभी छोटी, वो लोग क्या सोचेंगे. तो यही है. ओके आपके हिसाब से गेम कौन अच्छा खेल रहा है, किसको समझ में आ गया है थोड़ा बहुत एटलीस्ट? हाँ थोड़ा बहुत, अगर मैं चाहूंगा कोई विनर बन सकता है तो मेरे को लगता है कि दीपक भाई बन जाएं, बट वो एक बार खड़े हो जाएं, अपना काम खुद करने लग जाएं, उसके बाद वो अच्छे से खेल पाएंगे. जी ओके एक छोटा सा सेगमेंट हम आपके साथ खेलेंगे. मैं आपको कुछ वर्ड्स बोलूंगी, वो वर्ड्स को सुन के जिसके भी दिमाग में जो भी पर्सन आता है आपको बस उसका नाम बोलना. आई विल टेक 1 मिनट जस्ट. ओके ओके सबसे पहले हु इज द मोस्ट स्टूपिड पर्सन, मतलब स्टूपिड सना सुल्तान व्हाई, कोई स्पेसिफिक रीजन है? स्टूपिड ही है वो, उसको पता ही नहीं है कि उसको करना क्या है, कैसे खेलना है. वो सिर्फ फेक खेल रही है, फेक दिखावा कर रही है, हाँ कुछ काम नहीं कर रही, उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है. हर किसी इंसान को इन पर्सन उसने जानने की कोशिश ही नहीं की है, सिर्फ अपने में खोई हुई है. तो स्टूपिड ही है वो. ओके इमोशनल हाँ इमोशनल तो मुझे लगता है बाकी 14 के 14 लोग इमोशनल है. सारे जिस दिन मैं आया उस दिन सब इमोशनल हो गए थे, तो मैंने उन लोगों को रोते हुए देखा है, तो ओके इमोशनल है. ड्रामेबाज, ड्रामा बहुत करता है या करती है? हाँ मेरे सामने तो किसी ने किया, साई कितने का दीवारी हो गया था. ऐसा आपको लगता है वो ड्रामेबाज है? ड्रामेबाज टोटली नहीं, 100% नहीं कह बट सकते, थोड़े बहुत थोड़ा थोड़ा बहुत था. क्या ड्रामा क्या लगा उनका? नहीं ओवर रिएक्ट करना, अच्छा ऐसे ओके ही रणबीर भाई ने कई बार ओवर रिएक्ट किया है. अच्छा ओके हाँ फेक कौन लगता है? सना सुल्तान विनिंग क्वालिटी दीपक को अगर हम छोड़ दें, दे बिकॉज उनके साथ तो आपका एक अच्छा बॉन्ड बन उसके गया, बट अलावा मैं किसी को ज्यादा देख नहीं पा रहा, ओके ठीक क्योंकि जो उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो उनका है, जो उनका दिमाग है, जो उनका एक्सपीरियंस है, तो है. उससे अच्छा मेरे को लगता है कि किसी और का है. ओके कामचोर 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 तो कई है वहां पे, कामचोर तो कई है वहां पे. एक चलो नाम बोल दो जो थोड़ा ज्यादा है बाकी लोग के कंपेयर में. सबको काम बांटे थे, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा काम किचन में होता है, तो किचन का जो काम नहीं करता वो सारे कामचोर हैं. ओके अब लास्ट थिंग, आग लगाओ कौन है, मतलब जो बस मौका ढूंढता है कि इसकी बात यहाँ कर वो दूँ तो सब तो. बन जाते हैं, जब भी कोई लड़ाई होती है सबको फुटेज के लिए कोई भी बन जाता है वो तो. अच्छा हाँ ओके दिल का अच्छा आपको कौन लगा दीपक के अलावा, मुझे बताइए जो जिसका दिल वाकई में यू नो अच्छा है. मुझे लगता है अरमान का भी दिल अच्छा है, ओके जब भी 2 बीवियां हैं उसके पास. ओके लास्ट क्वेश्चन, कौन एक ऐसा कंटेस्टेंट है जो आपको लग रहा है कि शायद अभी ज्यादा नहीं दिख रहा है लेकिन आगे जाके ही कैन बी अ डॉग अ डार्क हॉर्स, यू नो आगे जाके वो कमाल कर दीपक सकता भाई है, बताया उसके था मैंने. अलावा मैं कह रही हूँ.
उसके अलावा वो कोई और ज्यादा नहीं दिख रहा, तो बाकी तो सारे दिख ही रहे हैं। हाँ, चंद्रिका भी हो सकती है। चंद्रिका, हाँ ओके ठीक है। सो ऑन दिस नोट थैंक यू सो मच नीरज। आप अपने फैंस को या कलर्स के मेकर्स को कुछ भी कहना चाहते हो कि आप अगर वापस आना चाहे या एनीथिंग विच यू वांट टू से? नहीं, कलर्स को तो मैं क्या कहूंगा, जियो, आई एम सो सॉरी जियो। तो मैं जियो को तो मैं क्या कहूंगा, मैं फैंस को ये कहूंगा, अगर आप लोग मुझे दोबारा से देखना चाहते हैं, मेरे जैसी शख्सियत को आप दोबारा देखना चाहते हैं, या आप लोगों को अगर मैं पसंद आया हूँ, तो भाई पुश करो, वीडियोस डालो, फोटोज डालो कि नीरज को दोबारा से बिग बॉस में होना चाहिए। थैंक यू सो मच नीरज, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, एंड वी डू होप कि आप वापस बिग बॉस में आए, आप बहुत ऊंचाइयों को छुए। थैंक यू।